आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। आज हम पनीर कुलचा बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पनीर कुलचा बनाने के लिए हमने पिज़्ज़ा सॉस, अमूल बटर, मियोनी और कुलचे, एक टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और 100 ग्राम के करीब पनीर, कुछ मसाले जैसे कि 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच नमक और थोड़ी सी चीज़ ली है। सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेते हैं और पनीर को भी बारीक बारीक काट लेते हैं और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर कुलचे की स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। अब इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं और इसको हल्का सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेते हैं। अब हम प्याज को सुनहरा भून लिया है हमने। अब इसके अंदर हम टमाटर डालकर इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। और हम इसके अंदर अपने मसाले भी डाल देते हैं, हल्दी, मिर्च, हरी मिर्च, नमक और ये गरम मसाला। हमने सभी मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। मसाले और टमाटर प्याज हमारे भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम पनीर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से इसमें मिला देते हैं, जिससे कि पनीर के अंदर मसालों का स्वाद आ जाए। और अब इसके अंदर हम हरा धनिया और ये बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। शिमला मिर्च आप पनीर से पहले भी डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम अपना कुलचा तैयार करना शुरू करते हैं। हमने कुलचे सेकने के लिए तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। अब हम ये सेकना शुरू करते हैं। याद रखें, इसको हल्का ही सेकना है और दबाना नहीं है। ये कुलचा हमारा सिक चुका है। इसको हम उतार लेते हैं और दूसरे कुलचे को भी हम एक साइड से सेक लेते हैं। ये हम बिना मक्खन के ही सेक लेते हैं। ये कुलचा भी हमारा सिक चुका है। अब इसको भी उतार लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा दोनों तरफ से कुलचा सिका हुआ है उसके हम ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं।
इसे अच्छे से फैला कर लगा दें। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारी लग चुकी है। अब हम दूसरा कुलचा ले लेते हैं जो एक तरफ से छिका हुआ है, और इसके ऊपर हम मेयोनीज़ लगा देते हैं। ये भी हमें अच्छे से फैला के लगानी है। हाँ, हमारे दोनों कुलचों पर, एक पे पिज़्ज़ा सॉस और एक पे मेयोनीज़ लग चुकी है। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने स्ट्राइकिंग बनाई थी ये रख देते हैं। खूब अच्छे से लगा दें और चारों तरफ को फैला दें। ये आप नाश्ते में या शाम को 4-5 बजे भूख लगे तो जब बना के खा सकते हैं। हमने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा कुलचा रख देते हैं और इसको तवे पे रख देते हैं। तवे पर हम थोड़ा सा बटर और डाल देते हैं। अब इस कुलचे को हम ऐसे रख देते हैं। हमें उधर से रखना है जो हमने एक तरफ से सेका था और एक तरफ से नहीं सेका था। अब इसको हम सुनहरा होने तक अच्छे से सेक लेंगे। हमारा कुलचा सीख चुका है। अब इसको हम प्लेट में उतार लेते हैं। अब हम अपने कुलचे को दो भागों में बांट लेते हैं। हमारा पनीर कुलचा खाने के लिए तैयार है। यदि आपको मेरा बना हुआ ये कुलचा पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।